घोषणा होने के थोड़ी देर पहले तक भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी गीता शाक्य को यह भी पता नहीं था कि उन्हें आज राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। बीते 26 अक्टूबर को दोपहर को उनके मोबाइल में लखनऊ भाजपा के प्रदेश कार्यालय से कॉल आती है। गीता शाक्य से उनके पूरे जीवन का विवरण पूछा जाता है। गीता उस समय अपने इंजीनियर बेटे के पास गाजियाबाद में थी। तब भी गीता ने यह नहीं समझा कि उनसे पूछताछ राज्यसभा के टिकट को लेकर हो रही है। उसी दिन रात 8 बजे फिर उनके मोबाइल की घंटी बजती है। कॉल रिसीव करने पर गीता से कहा जाता है कि पार्टी ने आपको राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको कल 27 तारीख को सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंचना है। यह सुनकर गीता शाक्य के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि 11 नवंबर 1969 को औरैया जनपद के विधुना तहसील के हमीरपुर छपोरा गांव में जन्मी गीता ने इंटर तक की पढ़ाई विधुना के विधुना इंटर कॉलेज से की थी। उनकी शादी इटावा जनपद के भरथना तहसील के सिंहुआ रामपुरा गांव के रहने वाले उच्च कृषक मुकुट सिंह के साथ हुई थी। गीता ने प्रास्नातक समाजशास्त्र से SAV डिग्री कॉलेज भरथना से किया था। गीता ने 2000 में अपने ससुराल सिहुआ रामपुरा गांव से ही सक्रिय राजनीति में उतरकर प्रधानी का चुनाव लड़ा और वह जीती भी। उन्होंने दोबारा भी प्रधानी का चुनाव जीता। इसी बीच उन्हें 2009 में विधुना विधानसभा के उपचुनाव के लिए सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, परंतु वह चुनाव हार गई। इसी बीच कुछ महीने बाद वह भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा ने उन्हें विधुना से ही अपना 2012 में प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह सपा प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता LS से फिर हार गई। भाजपा ने उन्हें 2013 में कानपुर प्रांत का क्षेत्रीय मंत्री बना दिया। भाजपा ने उनकी सांगठनिक क्षमता और उनके कुशल वक्ता होने के चलते उनका कद बढ़ाकर प्रदेश मंत्री बना दिया। सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद वे 2017 में औरैया जनपद की भाजपा की जिला अध्यक्ष बनाई गई और साथ ही प्रदेश भाजपा की मंत्री भी काफ़ी दिनों तक बनी रही। गीता शाक्य औरैया जनपद की वह प्रथम व्यक्ति होंगी जिन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में जाने का मौका मिल रहा है। अब तक किसी भी औरैया जनपद के व्यक्ति को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका था। स्पेशल रिपोर्ट मुनीश त्रिपाठी।